नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर समय से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार चल रहे रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 दिन बाद सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के ही मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी 4 मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पहलवान सुशील पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि अजय पर 50,000 का इनाम था। गिरफ्तारी के बाद पहलवान सुशील के चेहरे पर जरा भी खौफ नजर नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में दोनों उक्त आरोपियों को रविवार सुबह दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर शिव कुमार के निर्देशन में स्पेशल सेल की टीम ने दो वांछित लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय उर्फ सुनील के रूप में हुई। इससे पहले सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सबसे पहले सुशील के उत्तराखंड जाने की जानकारी मिली थी, उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में दबिश दे रही थी।